YouTube चैनल एपीए मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट की। काई स्क्वायर टेस्ट में बाइनोमियल और जो डायरेक्ट आपकी फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, उसकी हम बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और टेबल वैल्यूज के लिए। कि टेबल वैल्यूज मीन्स आपके जो है दो वेरिएबल्स गिवन होंगे, उन दो वेरिएबल्स को जो है हम किस तरह से, वो दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है या नहीं है, काई स्क्वायर टेस्ट से हम चेक करेंगे उनको। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन के पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालनी। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि काई स्क्वायर टेस्ट में जो है आपका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो है इंपॉर्टेंट होता है, कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आप कैसे निकालते हो। ठीक है, तो अब क्योंकि उसने कहा यहाँ पर देखिए फिट अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्वेश्चन अगर इसकी क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फिट अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर यहाँ तक क्वेश्चन बनता तो आपका ये क्वेश्चन बन गया था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। लेकिन उसने आगे क्या कहा है, एंड टेस्ट फॉर द गुडनेस ऑफ द फिट एट 5% लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस। यानी कि अब हम यहाँ काई स्क्वायर टेस्ट लगाएंगे। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का काम है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालने का, कि भाई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाल रहे हैं तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का हमने यूज करना है यहाँ पर। राइट स्टूडेंट्स, तो आज ये बात कर लेते हैं। अब क्योंकि देखिए ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ये आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं, इनको हम OI से भी डिनोट कर सकते हैं। F है ये हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज। अब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से, कैसे निकालनी है। नाउ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर जो है एच नोट डिफाइन करनी है। सबसे पहला काम आपने जो है एच नोट को, नल हाइपोथेसिस यहाँ पर आपने डिफाइन करनी है। अगर मैं नल हाइपोथेसिस एच नॉट की अगर मैं बात करूं तो एच नॉट, लेट एच नॉट इज इक्वल टू, क्या बोला है उसने, टेस्ट फॉर द गुडनेस ऑफ द फिट एट 5% लेवल। टेस्ट क्या करना है आपने, कि ये जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आप लगा रहे हैं ना, कि दिस इज द गुड फिट और नॉट। तो लेट एच नॉट क्या मान लेते हैं, लेट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, लेट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज गुड फिट फॉर द डेटा। ठीक है, गुड फिट फॉर द डेटा, गुड फिट फॉर द गिवन डेटा। राइट स्टूडेंट्स, तो ये आपने सबसे पहला काम आपने जो है एच को निकालना होता है यहाँ पर। सबसे पहले आपने एच नोट डिफाइन करना होता है, नल हाइपोथेसिस आप यहाँ पर सेटअप करेंगे, सबसे पहला काम। दूसरा काम आपने यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई तो काई स्क्वायर आ जाएगा, ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई आई। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहला मैं लिखती हूँ कि पी आर फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पी आर इज इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चे, यहाँ पर पी आर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू द पावर आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। आर की वैल्यू जीरो से लेके आठ तक जाएंगी, आर की वैल्यू जीरो से लेके आठ तक जाएंगी, और लैम्डा क्योंकि हमें पता है लैम्डा की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहला काम मीन निकाल लो, लैम्डा, लैम्डा अगर आ गया तो पी आर। लेकिन हमने तो ये जो पी आर है ना, आपको प्रोबेबिलिटीज हैं, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से आपकी प्रोबेबिलिटीज निकलेंगी, लेकिन हमने तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए इसको अगर आप एफ लिख रहे हो, एफ आर निकाल रहे हो, तो इसको आपने कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट इज कैपिटल एन हियर, हियर इट इज 500। ठीक है, टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। राइट, नाउ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, हमें पता है लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू मीन, मीन का फॉर्मूला क्या बनता है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। राइट, नाउ एफ एक्स क्या यहाँ पर निकाल लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, 151 ये बनेगा आपका 260, 3 6 0 3 और ये आपका 180, 12 बन जाए 60, 6 बन जाए 30, 7 एकम 7 और 8 दूनी 16। ठीक है, तो इसका जब आप सम निकालेंगे तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देती हूँ, सम जो है इसका आएगा 1010। नाउ लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 1010 डिवाइडेड बाय 500 और यू कैन से 2.20 ये सॉरी 2.02। राइट, 2.02 इज योर लैम्डा। नाउ एफ आर, एफ आर मतलब एफ जीरो निकाल लेंगे आप, एफ वन निकाल लेंगे, एफ टू निकाल लेंगे, एफ थ्री निकाल लेंगे, है ना। तो ये क्या है आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, ये आप निकाल क्या रहे हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, यानी कि जो उसने डिस्ट्रीब्यूशन कहा है कि भाई पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से निकालिए फ्रीक्वेंसीज, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करिए इसके अंदर, तो जो है आपकी जो है यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकलेंगी। एफ जीरो इज इक्वल टू, एफ जीरो इज इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, 500। ठीक है, एन की वैल्यू 500 इंटू, यहाँ पर आर की वैल्यू क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे, ई रेज टू द पावर माइनस 2.02। ठीक है, और लैम्डा रेज टू द पावर आर, लैम्डा रेज टू द पावर जीरो यानी कि 1 और डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल यानी कि 1। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे, एफ जीरो की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16। ठीक है, एफ वन कितना आएगा, 500 मल्टीप्लाई
ई रेज टू द पावर माइनस 2.02, लैम्डा है आपके पास 2.02 रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू, इसकी मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देती हूँ, एफ वन इज इक्वल टू 134। इसको आप राउंड ऑफ जरूर कर लेंगे, कुछ वैल्यूज है ना आपके डेसिमल में आएंगे, डेसिमल में आएंगे तो उनको आपने राउंड ऑफ कर लेना है, ठीक है। F2 की वैल्यू अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, क्योंकि यहाँ पर R को क्या रन कराना है, 2 रखनी है वैल्यू, R की वैल्यू जैसे ही 2 रखेंगे, यानी कि चलो मैं एक और वैल्यू यहाँ पर लिख देती हूँ, 500 e raised to power minus 2.02, 2.02 raised to the power 2 divided by 2 factorial, so it will be F2 की जो वैल्यू आएगी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 135। नाउ यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मेरे बच्चे, ये EIs हैं, ये OIs हैं, तो EIs EI मिल गए आपको, OI मिल गए आपको। नाउ काई स्क्वायर टेस्ट की अगर मैं बात कर लूं, काई स्क्वायर टेस्ट हमारा होता क्या है, OI माइनस, या तो आप इस टेबल में ही, या तो आप क्या करेंगे इस टेबल में ही वैल्यूज निकाल लेंगे, क्या OI माइनस EI का होल स्क्वायर, नेक्स्ट कॉलम आप निकाल लो, उसका जो समीशन करोगे दैट इज योर काई स्क्वायर, या फिर आप यहाँ लिख लो काई स्क्वायर इज इक्वल टू 52 माइनस 66 डिवाइडेड बाय 66, या तो आप ऐसे कर लो, या आप ऐसे कर लो OI माइनस EI का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 52 माइनस 66, मैं यहाँ क्या करती हूँ काई स्क्वायर लिख लेती हूँ सीधा, काई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा OI माइनस EI का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI, दैट इज इक्वल टू, हाँ जी स्टार्ट कर दो यहाँ से, 52 माइनस 66 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 66 प्लस, नेक्स्ट आएगा आपका 151 माइनस 134 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 134 प्लस, ये वैल्यू मैं सीधा लिख देती हूँ फटाफट से, आप भी लिख लीजिएगा, चला गया। नाउ काई स्क्वायर हमने कैलकुलेट कर लिया है, इसकी वैल्यू जैसे ही आप कैलकुलेटर से जो है स्क्वायर करके और डिवाइडेड बाय 66 करेंगे, ऐसे ही ये सारी वैल्यूज मैंने लिख दी यहाँ पर, नीचे कौन सी वैल्यूज है EI, सबसे पहले OI माइनस EI का होल स्क्वायर, नीचे जो फ्रैक्शन में है जो आपके नीचे है वैल्यू वो EI है, ठीक है। तो काई स्क्वायर की वैल्यू आई यहाँ पर मेरे पास 8.382। नाउ अब आपको क्या चाहिए, काई स्क्वायर टेबल वैल्यू और चाहिए, टेबुलेटेड वैल्यू के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस एंड डिग्री ऑफ द फ्रीडम। नाउ लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस इज 5% गिवन है आपके क्वेश्चन में, गिवन है 5% लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस है। नाउ डिग्री ऑफ द फ्रीडम निकाल लेते हैं, डिग्री ऑफ द फ्रीडम जैसा कि हमें पता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कोई फॉलो कर रहा है और काई स्क्वायर टेस्ट आपने लगाना है, तो आपकी जो डिग्री ऑफ द फ्रीडम होती है ये कितनी वैल्यूज है, 9 माइनस 2 बनेगी, ठीक है, माइनस 2 करना होता है आपको, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, बाइनोमियल में आप 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, पॉइजन में जो है आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9 माइनस 2 यानी कि 7 इज द डिग्री ऑफ द फ्रीडम। नाउ यहाँ पर लिख लेते हैं हम, नाउ काई स्क्वायर फॉर 7.05, इसका मतलब ये है कि काई स्क्वायर की वैल्यू 5% लेवल पे फॉर 7 डिग्री ऑफ द फ्रीडम इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं वैल्यू लिख देती हूँ बच्चे, ये वैल्यू आएगी आपकी 9.488। नाउ कैलकुलेटेड वैल्यू तो आपके पास ये है और टेबल वैल्यू आपके पास ये है, ध्यान दें भाई रिजल्ट लिखेंगे अब आप अपनी नोटबुक में, ये आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये आपके पास टेबुलेटेड वैल्यू है, सिंस काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज लेस देन काई स्क्वायर टेबुलेटेड, देयरफॉर वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, ध्यान से सुनेंगे, वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस एच नॉट, दैट इज इट मीन्स द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज गुड फिट फॉर द गिवन डेटा, ठीक है, ये आप अपने नोटबुक में कंक्लूजन लिख लेंगे। आई रिपीट इट, सिंस काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज लेस देन काई स्क्वायर टेबुलेटेड, देयरफॉर वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस एच नॉट, और इट मीन्स और दैट इज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज गुड फिट फॉर द गिवन डेटा, ठीक है। पॉइजन का क्या काम था, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आपने निकाली थी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से, और वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाली हैं वो कहाँ तक सिग्निफिकेंट है, वो आपने चेक किया काई स्क्वायर टेस्ट से, राइट, इस तरह से आप कर देंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं, दो वेरिएबल्स होंगे, वो डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, किस तरह से हमने क्वेश्चन को करना है, देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन हमारे पास, द कलर ऑफ द आईज ऑफ द फादर एंड द सन इज गिवन, टेस्ट इफ द कलर ऑफ द सन इज एसोसिएटेड विद दैट ऑफ द फादर, और ये आपको टेबल दे दी उसने, ठीक है। नॉट लाइट लाइट यहाँ पर आईज कलर इन द सन, यहाँ पर आई कलर ऑफ द फादर, यानी कि आपको क्या दिख रही है यहाँ पर, 2x2 की टेबल दिख रही है, यानी कि आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमने कैसे करना है, जब 2 वेरिएबल्स में हमारे पास वैल्यूज आएंगी
तो जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ठीक है, ये हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ये हमारे पास ओआईज हैं। अब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जब हम निकाल लेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला आप लिख लें, रॉ टोटल इनटू कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। रॉ कॉलम का क्या मतलब, रॉ टोटल का क्या मतलब है, यहाँ पर इस पूरी रॉ का टोटल 139, इस पूरे कॉलम का टोटल 129, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आएंगे तो किसमें क्या लेना है हमने। तो ये रॉ टोटल होता है आपका, इधर इधर आपका कॉलम टोटल होता है, ये आपका जो आती है वैल्यू, इधर से टोटल करोगे तो भी 1000, इधर से टोटल करेंगे तब भी 1000, यानी कि दिस इज द ग्रैंड टोटल, राइट। नाउ एक आपका बनता है यहाँ पर पॉइंट डिग्री ऑफ द फ्रीडम के लिए, ऐसे क्वेश्चन में हमने डिग्री ऑफ द फ्रीडम कैसे निकालने हैं। रो जितनी भी है माइनस वन कर दो, कॉलम्स जितने भी हैं माइनस वन कर दो, दोनों मल्टीप्लाई करोगे डिग्री ऑफ द फ्रीडम आ जाएगी। अब हम तो सिग्निफिकेंस 5% पे निकालते हैं, गिवन है तो 1% पे गिवन है तो उस पे निकालेंगे, नहीं गिवन है तो 5% पे निकालेंगे, यहाँ पर नहीं गिवन है तो 5% पे निकालेंगे। आ जाओ, दो वेरिएबल्स जैसा कि आपको दिख रहा है, आई कलर इन सन, आई कलर इन फादर, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, उसने कहा भी क्या है कि टेस्ट इफ द कलर ऑफ द सन इज एसोसिएटेड विद दैट ऑफ द फादर। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने सबसे पहले जो एच नोट आप डिफाइन करेंगे ना मेरे बच्चे, एच नोट सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे, लेट द टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, लेट द टू एट्रीब्यूट्स आर द टू वेरिएबल्स, राइट, टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है ये, ठीक है, इंडिपेंडेंट, ओके। देन हम क्या करते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन, हमारे जो बात आती है वो आती है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए, तो कैलकुलेशंस फॉर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, कैलकुलेशंस फॉर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के लिए अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मेरे पास जो ये फर्स्ट जो पोजिशन है ये ओ वन वन है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है ये, इसको आप टेबल में जब आपके पास वैल्यू आती है तो फर्स्ट एलिमेंट को आप क्या लिखते हो, ए वन वन, है ना, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना ये आपकी ओ वन वन है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ई वन वन निकलेगी, राइट। नाउ ई वन टू निकालना है आपने, ई वन थ्री निकालना, सॉरी वन थ्री तो है ही नहीं, टू वन एंड ई टू टू निकालना है। ई वन वन आपका इस पोजीशन वाले वैल्यू की बात कर रहे हो आप, इस पोजीशन पे है तो इसके सामने जाओ जो टोटल है आपके पास 139, इसके जस्ट नीचे आ जाओ जो टोटल है आपके पास 129 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल इज 1000, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपके पास 18, ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले भी बात करी है कि आपकी डेसिमल में आएगी फ्रीक्वेंसी जब आप निकालेंगे तो उसको आपने राउंड ऑफ जरूर करना है। नाउ ई वन टू, ई वन टू क्योंकि आपका ये पोजीशन है, इसको ये वैल्यू नहीं उठानी आपने, 89 का कुछ भी नहीं करना है, 89 के जो सामने जाओगे रो टोटल दैट इज 139 मल्टीप्लाई कॉलम टोटल दैट इज 871 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 121। ऐसे ही ये 21 निकालोगे, 21 की ये पोजीशन है, इसके सामने गए 861 मल्टीप्लाई इसके नीचे आए 131 डिवाइडेड बाय 1000, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 111, ठीक है, जब आप निकाल लेंगे तो। ऐसे ही E22 क्योंकि आपका ये पोजीशन है तो दैट इज इक्वल टू 861 इनटू 871 डिवाइडेड बाय 1000 और यू कैन से इट विल बी 1750, राइट। नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यूज वी आर हैविंग, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज वी आर हैविंग, नाउ काई स्क्वायर इज इक्वल टू काई स्क्वायर, जैसा कि मुझे पता है फॉर्मूले में काई स्क्वायर में इसको रद्द कर देती हूँ, ऊपर लिख लेते हैं काई स्क्वायर, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे काई स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। टेबल में कैलकुलेशन ना करके आप सीधा भी निकाल सकते हो, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी आपके पास पहले से ही है, देखो 50 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या थी आपके पास 18, 50 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नाउ काई स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी, 50 माइनस 18 का होल स्क्वायर ओ आई माइनस ई आई डिवाइडेड बाई ई आई दैट इज 18 प्लस नेक्स्ट वैल्यू आपकी 89, 89 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आई आपकी 121, तो 89 माइनस 121 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 121 प्लस नेक्स्ट वैल्यू आपकी 79 ऑब्जर्व 111 आपकी एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 111 प्लस 782 माइनस कितना नेक्स्ट आई आपके पास 750 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हाँ जी 750, इनकी वैल्यू जैसे ही आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो काई स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पर ले देती हूँ, दैट इज काई स्क्वायर इज इक्वल टू 76.1।
तो ये काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 76.1 आई काई स्क्वायर की वैल्यू। तो अब हमें क्या चाहिए, टेबल वैल्यू चाहिए। तो टेबल वैल्यू काई स्क्वायर, हाँ जी, डिग्री ऑफ द फ्रीडम यहाँ पर क्या है, दो ही आपके पास रो है और दो ही आपके पास कॉलम है, तो 2-1 अगर आप पहले डिग्री ऑफ द फ्रीडम लिखना चाहते हैं तो 2-1 मल्टीप्लाई 2-1 दैट इज 1। नाउ काई स्क्वायर 1 डिग्री ऑफ द फ्रीडम 0.05 यानी कि 5% ऑफ द लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस इज इक्वल टू, काई स्क्वायर की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ से 3.84। ठीक है, नाउ सिंस काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन रिजल्ट, लिख लो भाई अपनी नोटबुक में, मैं नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर। नाउ सिंस काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर टैबुलेटेड, देयरफॉर वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एच नॉट, और एच नॉट था क्या हमारे पास, दीज टू एट्रीब्यूट आर इंडिपेंडेंट, सो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। वट डज इट मीन्स, इट मीन्स के दीज टू एट्रीब्यूट आर डिपेंडेंट, राइट, we reject the null hypothesis here because here chi square calculated is greater than chi square tabulated, ye 76.31 hai aur ye aapka 3.84 hai, to we reject the null hypothesis h not, what does it mean, it means these two attributes are dependent, that is these two attributes are dependent, likh liya। aage badhte hain, ek aur question karte hain, to baat hui 2/2 ki, ho sakta hai yahan par jo aapke 3 variable ho jaye, yahan par jo aapke 2 variable hai, yahan 3 ho jaye, यहाँ पर आपके दो वेरिएबल्स हो जाएं, है ना, तो ऐसा क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। चलिए भाई ये क्वेश्चन कर लेते हैं, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ द गुड एंड बैड पार्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच ऑफ द 3 शिफ्ट्स इन अ फैक्ट्री, इन अ फैक्ट्री, ठीक है, किसी फैक्ट्री के अंदर क्या हो रहा है कि 3 शिफ्ट में जो है गुड पार्ट और बैड पार्ट जो है आपके बन रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ये नंबर ऑफ द गुड पार्ट्स, नंबर ऑफ द बैड पार्ट्स इन द डे शिफ्ट, इन इवनिंग शिफ्ट, इन द नाइट शिफ्ट, तीनों के हमें जो है डेटा गिवन है। नाउ व्हाट वी आर टू डू हियर, हियर द टेस्ट वेदर और नोट द प्रोडक्शन ऑफ द बैड पार्ट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शिफ्ट ऑन विच दे वर प्रोड्यूस्ड, कहते हैं कि जो शिफ्ट है और जो बैड पार्ट्स हैं वो दोनों इफेक्टेड हैं या नहीं है एक दूसरे के साथ, वो डिपेंडेंट है या नहीं है, तो हम इसी को एच नोट ले लेते हैं, लेट एच नोट यहीं से कर देते हैं हम, यहाँ इसको ले लेते हैं हम एच नोट, समझ में आ रही है ना बात, जो हमने टेस्ट करना दैट इज आर एच नोट, एच नोट क्या है, तो प्रोडक्शन ऑफ द बैड पार्ट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शिफ्ट इन विच दे वर प्रोड्यूस्ड, मान लेते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है ना, तो हम क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर हमें क्या निकालना, मेनली एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आएगा, काई स्क्वायर आएगा, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज लेस देन काई स्क्वायर टैबुलेटेड, देन वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, अदरवाइज वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, और वहीं से हमें रिजल्ट मिलेगा। नाउ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी E11 निकलेगा यहाँ पर, E12 निकलेगा, 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1 और 3-2, ठीक है, E11, 2-1 आ गए यहाँ पर और ये 2-2, नाउ E31, E32, सो हियर E11 ये आपकी पोजीशन है E11 की, तो इसके सामने जाओगे आप, टोटल रो टोटल इज 1000 मल्टीप्लाई कॉलम टोटल इज 2850 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल इज दिस 1 2985 दैट इज इक्वल टू E11 में यहाँ पर लिख देती हूँ आपके सामने डायरेक्टली दैट इज 954 समथिंग आएगा, तो उसको मैंने लिख दिया 955, ठीक है। नाउ E12 क्योंकि ये पोजीशन है इसके सामने गए आप, 1000 मल्टीप्लाई क्योंकि ये पोजीशन इसके नीचे आओगे 135 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल इज 2985, ग्रैंड टोटल सब में यही आएगा भाई, ध्यान रखें, तो इसको जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास जो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ये आएगी आपके पास 45। नाउ E21 की पोजीशन क्योंकि ये है, इस नंबर का हमने कुछ नहीं करना, इस ये जो जगह है ना, ये जो पोजीशन है ना इसकी, इसके सामने जाना है रो पे और इसके नीचे आ जाना है कॉलम पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 990 मल्टीप्लाई बाय 2850 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल दैट इज 2985 इज इक्वल टू, चलो इसको बाद में लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू, ये फ्रीक्वेंसी मैं लिख देती हूँ 945 है। E22 क्योंकि ये पोजीशन है इसके सामने गए आप, 990 मल्टीप्लाई बाय 135 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल इज 2985 दैट इज इक्वल टू, जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे E22 मतलब ये वैल्यू आ गई आपकी 45, ठीक है जी। नेक्स्ट E31
E31 की पोजीशन ये है, इसके सामने गए 995, इसके नीचे आए 2850, तो 995 मल्टीप्लाई 2850 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल दैट इज 2985, दैट इज इक्वल टू E31 आ गया आपके पास 950। नाउ E32 बन जाएगा, ये आपका 32 है, 32 के सामने गए 995 मल्टीप्लाई 135, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई ग्रैंड टोटल दैट इज 2985, और यू कैन से ये वैल्यू आएगी आपकी 45। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आपके सामने आ चुकी हैं, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है, काई स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। नाउ द काई स्क्वायर टेस्ट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देती हूँ, इसको रब कर रही हूँ, लिख लिया होगा आपने E11122212232132 जो भी है। नाउ काई स्क्वायर, काई स्क्वायर इज इक्वल टू ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज 960 और एक्सपेक्टेड मैंने निकाली थी 955 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दैट इज 955 प्लस नेक्स्ट के लिए आओ 40 माइनस यहाँ पर मैंने निकाली थी 45 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 45 प्लस नेक्स्ट निकालो 940 के साथ मैंने निकाली थी फ्रीक्वेंसी क्या 945 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 945 राइट स्टूडेंट्स प्लस नेक्स्ट है आपके पास 50 की कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने निकाली थी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 45 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 45 प्लस नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास 50 तक चली गई 950 और जो एक्सपेक्टेड थी 950 दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जीरो आएगा। यहाँ ऑब्जर्व भी 950 है और एक्सपेक्टेड आपने E31 है वो क्या निकाला था 950 यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आएगा। ऐसे ही जो है एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 45 है E32 आपने निकाला था तो वो भी 45 आया था तो वो जीरो आएगा। तो ये लिखने की जरूरत है, मुझे बाकी लिखने की जरूरत नहीं, लिखना चाहो लिख लो, जीरो आएंगी वो वैल्यूज। तो दैट इज इक्वल टू काई स्क्वायर, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ काई स्क्वायर इज इक्वल टू कैलकुलेट करके ये वैल्यू आएगी 1.28 समथिंग आएगी ये वैल्यू, ठीक है जब आप कैलकुलेट करेंगे तो काई स्क्वायर इज इक्वल टू 1.28 यानी कि ये कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। काई स्क्वायर क्या आया, ये कैलकुलेटेड आया। नाउ काई स्क्वायर टैबुलेटेड, काई स्क्वायर टैबुलेटेड, टैबुलेटेड मतलब पहले तो डिग्री ऑफ द फ्रीडम लिखना है आपने, डिग्री ऑफ द फ्रीडम क्या रहेगा यहाँ पर, क्योंकि रो हमारी 3 है तो 3-1 × 2, क्योंकि कॉलम हमारे 2 है तो 2-1, 3-1 × 2 × 2-1, 1 × 2 दैट इज 2, तो डिग्री ऑफ द फ्रीडम इज 2 लिख भी सकते हो आप यहाँ पर, डिग्री ऑफ द फ्रीडम इज इक्वल टू 3-1 × 2-1 दैट इज इक्वल टू 2 राइट स्टूडेंट्स। तो काई स्क्वायर 2.05 मीन्स ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आप लिख रहे हो 5% लेवल पे 2 डिग्री ऑफ द फ्रीडम के लिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे बच्चे, यहाँ पर मैं सीधा सीधा लिख देती हूँ 5.9491, जब आप टेबल से देखेंगे तो पिछले जो लास्ट वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपके पास काई स्क्वायर की जो है टेबल वैल्यू पड़ी है, टेबल मैंने वहां पर डिस्क्रिप्शन में डाली है, वहां से आप इसको चेक कर लेंगे ये वैल्यू आएगी। नाउ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज लेस देन काई स्क्वायर टैबुलेटेड, रिजल्ट लिखें कल का कंक्लूजन लिखिए। नाउ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज लेस देन काई स्क्वायर टैबुलेटेड देयरफॉर वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि जो आपका था ना द प्रोडक्शन ऑफ द बैड पार्ट्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द शिफ्ट इन विच दे वर प्रोड्यूस्ड राइट स्टूडेंट्स। तो ये आप रिजल्ट लिखिए, अपना कंक्लूजन लिखिए, यहाँ पर मैंने लिख रही हूँ, यहाँ कंक्लूजन डालिए यहाँ पर, since chi square calculated is less than chi square tabulated therefore we accept the null hypothesis. What does it mean? It means the production of the bad parts is independent of the shift in which they were produced right. तो इस तरह से करना आपने, 2/2 हो 2/3 हो, दो variables की बात हो रही है ना, तो आपने इस तरह से निकालना है। degree of the freedom का ध्यान रखेंगे और अपना एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कौन से केस में किस तरह से आपने निकालनी है राइट। तो इस तरह से जो है काई स्क्वायर अब आपका खत्म। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अपनी प्रोबेबिलिटीज के लिए या जो भी अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है।